खड़े खड़े थक गया होगे। सो द थिंग इज कि मैं कहाँ थे हम लोग? हाँ, सो हम लोग थे जो 9000 वाला सब्सक्राइबर्स था। तो एक्चुअली उसका सीन तो यार यूट्यूब का ही था। मैंने बहुत मतलब मैंने 4 और महीना वेट किया, 4 या 3 महीना तकरीबन मैंने यूट्यूब को कांटेक्ट करा ट्विटर पे, एंड बहुत सारे दोस्तों से हेल्प मांगी। इवन तुम लोगों को पता होगा क्रॉन्टन गेमिंग, उसने भी मेरी हेल्प करी थी उस वक्त। क्रॉन्टन गेमिंग एक्चुअली हमारे साथ गिवअवे में हुआ करता था, एंड वो था दोस्त था उस वक्त पे, बट अभी तो बात बोलोगे जाने का भी नहीं मुझे। ओके, सो द थिंग इज कि उसने भी मेरी हेल्प करी थी उस वक्त, एंड भी काफ़ी सारे लोगों ने यार यूट्यूबर ने हेल्प करी थी। गेमिंग गुरु हो गया सीओसी के यूट्यूबर थे उस वक्त काफ़ी सारे, सो वो लोगों ने हेल्प करी थी मेरी चैनल को लेके। बट बहुत मेहनत के बाद भी वो चैनल नहीं आया वापस। सो फिर मैंने फिर स्किप किया, फिर मैंने एक और चैनल बनाया जो कि मेरा बोल सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैनल था वो। ओके, तो फोर्थ चैनल मैंने बनाया, उस पर मैंने अपलोड करा वीडियो, एंड वो भी अराउंड 1700-1800 सब्सक्राइबर होने के बाद वो भी बंद हो गया। ओके, उस पर भी एडसेंस का इशू आया। सो ये क्यों हो रहा था पता नहीं। तो फिर मैंने क्या किया यार, मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत ढूंढा, मतलब मेरे तकरीबन 3 साल बोल सकते हो वेस्ट हो गए थे। मैं फिर से जीरो पे आ गया था। सो बट फिर भी अपन ने यार वो नहीं करा कि भाई नहीं नहीं करना है यूट्यूब, अब ये है वो है, थोड़ा फैमिली की तरफ से प्रेशर आ गया, ये क्या कर रहा है, नहीं हो पा रहा है तो मत कर। सो ऐसा हो गया था, इवेंट अभी भी ऐसी चलती है बात। सो लेकिन हम क्या लगे हैं भाई, कब कब मतलब पुश मिल जाए एक बड़ा सा एंड कुछ हो जाए गजब। ओके ओके, सो द थिंग इज कि मैं उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करा यूट्यूब। मैं बोला भाई मतलब बंद नहीं करना है, यही करना है। ओके, सो फिर मैंने उसके बाद एक और चीज़ ट्राई करा, वॉइंस, जो कि यार वॉइंस जो बहुत चला था, जो बोल सकते हो कॉमेडी वीडियो स्केचेस लिखना। तो हम लोगों ने क्लैश ऑफ क्लैंस पे एक स्केच लिखा था, मैंने खुद लिखा था, एंड फिर कुछ दोस्तों के साथ जमा करके उसको फिर मैंने शूट करा। उस पर भी 1000 व्यूज चले गए थे 2 दिन में ही, दो दिन भी नहीं हुआ था, मैं बोलूँगा यार 1.5 दिन में 1000 व्यूज प्लस चले गए थे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरे दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जस्ट 3 दिन बाद चैनल बंद। ओके, वो एक्चुअली जो एडसेंस था ना, वो दोनों चैनल का एक ही एडसेंस कनेक्टेड था, तो वो एडसेंस डिसेबल हो गया, तो फिर चैनल का कुछ मतलब नहीं, तो यस बंद हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने ये वाला चैनल स्टार्ट करा, जो अभी मेरा मिस्टर इंडियन गेमर आप देखते हो वो, एंड मिस्टर आईजी एक्स्ट्रा, जिसपे आप लोग ये व्लॉग देख रहे हो। तो यस, बहुत अप्स एंड डाउन्स आया है, तब जाके अपन इधर पहुंचे हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है यार स्टोरी बता के। ओके, सो अभी पता है तुम लोग बोर हो गए हो, तो अभी चलते हैं कुछ बाहर करते हैं, मचाते हैं। एंड जिसको नहीं पता, मैंने नया वाला पीसी का सेटअप टूल ऑलरेडी दे दिया है, मेन चैनल पे है, जिसको देखना है मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा लिंक, देख लेना। एंड ये गेमिंग व्हील का भी मैंने बता दिया है, मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था इस गेमिंग व्हील के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में मैंने वीडियो अब जाके अपलोड करी 6 महीने के बाद। तो यार ये मेरी पहली ऐसी चीज़ है जिसको मैंने बहुत दिन तक अपने चैनल पे दिखाया ही नहीं, ये मेरी पहली ऐसी चीज़ है। नहीं तो मैं जो भी कुछ लाता हूँ ना, उसको सबसे पहले अपने चैनल पे दिखाता हूँ। बिजी है भाई, हाँ थक गया मैं। सो एक यूट्यूबर के लिए अच्छी जगह, ओ भाई धूप, तो इधर ही रहना पड़ेगा। ओके सर, एक यूट्यूबर के लिए अच्छी जगह क्या होती है? उसका स्पेस, उसका रूम इन शॉर्ट, और उसकी टेरिस। यस, और खास तौर से छोटे यूट्यूबर के लिए जिसके पास डेली कंटेंट नहीं है, वो अपने टेरिस पे आगे कुछ ना कुछ करता है। ओके, क्या डालते करूँ? माइनक्राफ्ट। तू क्या खेलता है? माइनक्राफ्ट। हाँ। और क्या खेलता है? और तो रिकॉर्ड कर रहा था। रिकॉर्ड करना है। चलो क्या भाग क्यों रहे? टपली दू देखो, पट्टा से हेडशॉट दू यहाँ से, दे पट्टा से हेडशॉट, टपली दू
नहीं शूट तो ना कर रहा हूँ, खाली ऐसे पकड़ा हूँ तो को एड़ा बना रहा, तू बन भी रहा है फालतू में, तू एड़ा बन रहा है क्या देख रहा है? हाँ क्या खेलता है वो बता। मैं खाली फ्री फायर और माइनक्राफ्ट में रहता क्या? अबे बिल्डिंग बनाने का, बिल्डिंग बनाने का, आयरन फार्म, और जैसे टेक्नो गेमर बनाए, टेक्नो गेमर बना देगा। यहाँ से अगर मोबाइल मेरा गिरा जैसे हाथ मारा था अभी तो क्या होएगा? ब्लास्ट हो जाएगा मोबाइल, इतना हार्ड मेरा यहाँ से मोबाइल गिरेगा तो ये भर के कौन देगा, मतलब नया मोबाइल कौन देगा मेरे को? अभी तू हाथ मारा जस्ट गिरने वाला था मोबाइल, तू रिकॉर्ड कर रहा है? मैं रिकॉर्ड किधर कर रहा हूँ खाली। बहुत कंटेंट दे दिया बच्चे ने। ओके सो यप यार एक बात कोई बताएगा? ये देखो भाग गया भैया, अभी कैमरा मैं इधर रखा हूँ इधर पे, और कसम से मेरी फट रही है कि कहीं ये लोग आके मार ना दे, और एक एकदम क्लोज इधर आके बैठा था। यार ये सबके साथ ऐसा क्यों होता है यार कि टेरिस पे आओ और अगर कैमरा मोबाइल हाथ में है तभी ये लोग आते हैं, नहीं तो आते नहीं, मतलब ऐसे नॉर्मल नहीं आते हैं। बट यार कबूतरों का ये है क्या सीन, मतलब ऐसा कोई ये लोग का है क्या फिक्स? ये देखो आके गया टर्न मार के गया अभी इधर से, इनका क्या है? कैमरा देख के आएंगे? ऐसे नॉर्मल लोगे तो नहीं आएंगे। सो आई थिंक भाई कबूतर जो है ना यार उतने ही फोटो जानेंगे जितने हमारे मोदी जी हैं। ओके सो यस, तो मैंने यार मतलब जितना हो सकता था मैंने आप लोगों को ए टू जेड सब कुछ बता दिया, एंड इवन जो हमारे सूरज देवता है बहुत अच्छी तरीके से प्रकट हुए हैं यहाँ पे। ओके और ये भी काफ़ी सारे लोग पूछे थे भाई ये तुम ये पहन क्यों रहे हो यार, ये चश्मे कैसे लग गए, क्या है फैशन के लिए पहन रहे हो? मुझे लाइव स्ट्रीम पे भी काफ़ी बार पूछा। सो एक्चुअली ये यार फैशन के लिए नहीं है भाई, ये एक्चुअली मुझे लग गया है 0.5 नंबर खाली मतलब बड़ा है, एंड सेकंड चीज़ हेडेक का भी है, थर्ड चीज़ इसमें जो ब्लू कोटिंग होती है ना मोबाइल एंड पीसी के लिए तो वो भी है। सो यार ये मैं किसी को कॉपी नहीं कर रहा, कैरी का नाम लिया, बोला कि यार कैरी को कॉपी कर रहा है, और दूसरी चीज़ अपना ट्रिगर्ड इंसान हाइड्राफिलिक की भी बात करी थी, बोले थे यार उसको कॉपी करना, नहीं कॉपी नहीं कर रहा, ये लगाना पड़ा है भाई। एंड मुझे पता नहीं यार ये शेड आ रहा है मुंह पे एकदम, हमारे सूरज देवता मार रहे हैं, सो पता नहीं मेरा बराबर दिख रहा है कि नहीं। सो यदि कंप्लीट यार मेरा ब्लॉग, उम्मीद है पसंद, किसी भी रीज़न के लिए तुम लोगों का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना यार, एंड खाली सब्सक्राइब मत करो, मुझे खाली सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, अगर आप लोग बेल आइकन दबाओगे तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो मैं बोलूँगा सब्सक्राइब मत करो। क्योंकि यार जब भी आप एक यूट्यूबर को सब्सक्राइब करते हो उसको बेल आइकन नहीं दबाते हो उसकी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आएगी, आप उसकी वीडियोस नहीं देख पाओगे तो मतलब क्या सब्सक्राइब करके। ओके सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बेल आइकन ज़रूर दबाना, लाइक करो डिसलाइक करो तुम्हारी मर्ज़ी है, क्योंकि दोनों से उतना ही इंटरेक्शन मिलता है, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।